वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं रुपिंद्र करिवाल हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई नए नए चेंजेस लेके आ रही है और स्पेशली ये वीडियो है 9th और 10th क्लास के लिए। सो 9th और 10th क्लासेस के लिए ऐसे सीबीएसई ने क्या चेंज किया है बेटा जी, वो चेंज किया है प्रैक्टिकल्स के लिए, साइंस प्रैक्टिकल्स में। अब साइंस प्रैक्टिकल कैसे होने हैं, पहला रीजन मैं बताता हूँ कि ये किया क्यों है। तो सीबीएसई बच्चों को कंफर्टेबिलिटी जोन में लेके आ रहा है कि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ऊपर से कोविड-19 की कंडीशन हर जगह अलग अलग हो रही है, कुछ रीजंस में बहुत ज्यादा है। तो सीबीएसई सबको कंफर्टेबल जोन देखते हुए उनको एक सेटिस्फैक्टरी, एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये इन्होंने एक पीडीएफ जनरेट किया है। अब इस पीडीएफ में बेटा क्या क्या मेंशन किया गया है, इसका पर्पस क्या है। सो जो प्रैक्टिकल्स आप अपने स्कूल प्रीमाइसिस में परफॉर्म करते थे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, साइंस टीचर जो परफॉर्म कराते थे, आप प्रैक्टिकल फाइल उसके लिए बनाते थे, पूरी कंप्लीट एक फॉर्मेट होता था। तो अब सीबीएसई ने आपको क्या किया, सीबीएसई ने आपके लिए ये पीडीएफ जो दी है इसके अंदर आप अपने प्रैक्टिकल्स खुद परफॉर्म कर सकते हैं एट योर ओन हाउसेस, अपने घर पे आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है बेटा, इसकी खास बात यह है कि आपके लिए, आप सोच रहे होंगे कि भी हम सारे प्रैक्टिकल सर हमारे पास इक्विपमेंट तो होंगे ही नहीं, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो सीबीएसई ने क्या किया, आपके लिए हर चीज की एक अवेलेबिलिटी कराई है। जैसे कि उस पीडीएफ में स्पेशल मेंशन क्या किया हुआ है, सीरियल नंबर के बाद है एक्सपेरिमेंट का नेम कि कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। सेकंड थिंग है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मींस आप इस एक्टिविटीज को खुद कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब उस एक्टिविटीज को आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्टिविटीज है या कैसे परफॉर्म करना है, तो उसी के साइड में बेटा लिंक में आपको एक वीडियो यूआरएल दिया होगा, उस पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उसका आपके लिए एक वीडियो यूट्यूब पर अवेल हो जाएगी। ठीक है, वो वीडियो आप देख के आप उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, सबसे आप बात कर रहे थे कि मटेरियल क्या चाहिए होगा सर, स्कूल में तो सारा अवेलेबल होता है। तो बेटा आपने क्या करना है, आपके लिए मटेरियल भी वही रिक्वायर होगा जो आपका इजिली अवेलेबल होगा, लाइक आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, आपके स्ट्रो पाइप्स हैं, वाटर है, सोल्ट हो गया, शुगर, तो ये सारी की सारी चीजें मीन्स आपको इजिली अवेलेबल होगी एट योर ओन हाउसेज। ठीक है, तो सारी मटेरियल और सारे प्रैक्टिकल आप खुद कंडक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो जैसे एग्जांपल लिए है 9th क्लास के लिए स्पेशली उन्होंने सीबीएसई ने 20 प्रैक्टिकल्स की एक लिस्ट दी है, आप उसमें से कोई से 4 to 5 प्रैक्टिकल्स को कंफर्म कर सकते हैं, मतलब जो आपको लगता है बेस्ट एंड इजी वे है हैंडलिंग। क्लास 10 के लिए मीन्स ग्रेड 10 के लिए 22 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है, लाइक उसके अंदर ऑस्मोसिस के ऊपर है जो 9th में था, 10th में भी आएगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर है आपका, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के ऊपर है, गैसेस एक्सचेंज के ऊपर बेटा बहुत ब्यूटीफुल से मॉडल भी बनते हैं। सो अगर आप कमेंट करेंगे हमारी वीडियोस में, लाइक करते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कुछ 9th और 10th की प्रैक्टिकल की वीडियोस कुछ जनरेट कर दूंगा जिससे आप खुद उस मॉडल को बना सकेंगे। और आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बट ये कंसेप्ट हमारे माइंड में क्यों नहीं आया, और वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक होगा अदर स्टूडेंट से, मतलब आपके लिए एक यूनिकनेस लेके आएगा वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो मैं उसको एक्सपेरिमेंट को तभी परफॉर्म करूंगा बट आप जब कमेंट करेंगे और इसके लिए शेयर करेंगे। तो बेटा जी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 9th और 10th के लिए क्या क्या बेनिफिटेड और किस टाइप के एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक जैसे हम बात करते हैं कि टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनमिसकेबल लिक्विड। तो सबसे पहले अब ये देखो, ये 9th क्लास का जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो इमिसकेबल लिक्विड क्या होता है बेटा, जिसको हम जो मिक्स नहीं होता है, लाइक मैंने एग्जांपल भी लिया है ऑयल एंड वाटर का, तो इन ऑयल और वाटर इजीली अवेलेबल आपको हो ही जाएगा घर में। ठीक है, अब इसको सेपरेशन कैसे करते हैं, एक इजीली प्लास्टिक बोतल लेके हम उसे नोजल उसमें छोटा सा होल करके बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मीन्स आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में आपको दिक्कत आए, या मटेरियल आपके लिए जो चाहिए होगा वो सारा आपके पास अवेलेबल होगा ही। ठीक है, 10th क्लास की बात करते हैं तो 10th क्लास में बड़ा ही ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट है, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होगा या क्वेश्चन होगा वो यहीं से बनेगा। तो स्टडी द लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट कैसे है। तो बेटा जी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना है, सिंपल एक एग्जांपल, आपका सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें क्या होगा आपका सारा, आपको एक प्लांट लेना है, पोटेड प्लांट मतलब गमले में होगा वो, उसको आप डार्क रूम में रखेंगे फॉर 3-4 डेज और उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो पोटेड प्लांट्स आपने सनलाइट में रखा है और डार्क रूम में रखा है तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके कलर्स में और उसके प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। सेम एज अगर मैं बात करता हूं ट्रांसपीरेशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटल पोर,
तो स्टोमेटल पोर से वो वाटर का लॉस कैसे हो रहा है, इस एक्सचेंज को हम कैसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बड़ा इजी सा वे है। मतलब हम लीफ के बैक साइड पे हम वैसलीन लगा देंगे और उस लीफ को हम क्या करेंगे, टाई कर देंगे पॉलिथीन में, वाइट ट्रांसपेरेंट में। तो आफ्टर फ्यू आवर्स, मीन्स 2-3 आवर्स के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पॉलिथीन है ना उसके ऊपर अंदर की साइड पर वॉटर की ड्रोपलेट्स आ जाएगी। तो उसका रीजन क्या है, वो ड्रोपलेट्स आई कैसे है, तो बेटा वो है ट्रांसपीरेशन। तो इसी तरीके से बहुत इजी वे कंसेप्ट में आपके लिए पूरा एक शॉर्टेन किया हुआ पीडीएफ के अंदर, एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक नई प्रैक्टिकल की वीडियो बना सकूं। तो इस टाइप के बड़े इजी वे में एक्सपेरिमेंट रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।